नमस्कार बहनों, एक छोटा सा वीडियो बताना चाहती हूँ। हरी प्याज से सभी परिचित हैं, कई महिलाएं काफ़ी प्रयोग करती हैं। इसे कच्चा भी खाया जाता है, व्यंजनों में भी खाया जाता है, चाइनीज डिशों में भी इसको डालते हैं। हम इसे घर में कैसे उगाएं और 12 महीने ये हमें कैसे मिलते रहें, एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा आप इसको समझें और अपने घर में ही इस प्याज को उगाएँ। देखिए इसे कैसे उगाना चाहिए मैं बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्याज, इसके लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक प्याज लीजिए, टूथपिक ये बड़े आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है, टूथपिक लकड़ी की हो या प्लास्टिक की कोई भी चल जाएगी। इसे आप ऐसे तीन जगह रख दीजिए, इसे किसी भी बाउल में या किसी भी कप में इसे रख दीजिए इस तरह से। इसमें आप थोड़ा पानी डालें, आधा प्याज थोड़ा डूबा रहे, आधा प्याज पानी तक इसे इस तरह से पानी में डालें। थोड़े दिनों के बाद इसमें इस तरह से अंकुरण होने लगता है और प्याज फूटने लगता है 3-4 दिन के बाद ही। धीरे धीरे ये 8 दिन में इसकी इस तरह से पोजीशन हो जाती है और ऐसी जड़ें निकल आती हैं। इसे हम इस प्याज को हम ऊपर से काट भी सकते हैं, जब हमें लगता है कि बड़ा हो गया है इसे आप काट दीजिए और उसके बाद ये फिर से वापस इसे इसी पोजीशन में रख दें, इसकी जड़ें डूबी रहें और ये फिर से रीग्रोथ हो जाता है। इस तरह से एक छोटे से प्रयोग से हमें 12 महीने हरे प्याज खाने को मिल सकते हैं। नमस्कार।